इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। ग्वालियर में महाराजापुर सर्किल के सीएसपी रवि भदौरिया के ड्राइवर को देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने के बाद ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां माथे में लगी गोली को निकाल दिया गया है और इलाज जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मच गया और एसएसपी सहित आला पुलिस अधिकारी देर रात ही मौके पर पहुंच गए और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। गोली सीएसपी की गाड़ी के अंदर ही लगी है। एसएसपी राजेश सिंह चंदेल ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि सीएसपी महाराजपुरा रवि भदौरिया के ड्राइवर केंद्र सिंह पिछले 2 वर्षों से ग्वालियर में तैनात हैं। रात 9:30 बजे के करीब उन्होंने घर की घंटी बजाई और नौकर को बताया कि उन्हें गोली लगी है, जिसके बाद सीएसपी रवि भदौरिया तत्काल उनको ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंचे, जहां उनका इलाज शुरू हुआ। गोली उनके माथे पर लगी है, जिसे डॉक्टर द्वारा निकाल दिया गया है और इलाज किया जा रहा है। घटनास्थल पर खड़ी गाड़ी में गोली चलने का निशान भी मिला है और केवल एक फायर हुआ है। एसएसपी ने बताया कि ड्राइवर के परिजनों को भी बुला दिया गया है और फिलहाल ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है जिससे अंदाजा लग सके कि ड्राइवर ने आत्महत्या के लिए गोली चलाई है। पुलिस द्वारा फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है, जिसके लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट की भी मदद ली जा रही है। 10 मिनट 5 मिनट लगे भी ज़्यादा। हमने खाना परिसर अपने बच्चों को साफ खाते हैं, आप व्रत था आपका, दीदी का व्रत था, तो 3-4 बार बैल दीदी पता नहीं था, दीदी लिया था बांध दे गई, तो मैंने यहाँ से बांध रहा था, यहाँ से यहाँ से दी मैंने बांधा था, बांध के साफ सफो लिया, मैंने साफ में आया भगवान ने अपना देखा है दुनिया को, थोड़ा सा उस हिसाब से वहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ मॉडल टाइप का। ये सी एस पी महाराजपुरा के गाड़ी में ड्राइवर हैं केंद्र सिंह। ये करीबन 9:15 बजे के आसपास का घटनाक्रम है, जिसमें जो अभी बात आई है उसमें ये आया कि घर की घंटी इन्होंने बजाई और बताया कि जल्दी नौकर को बताया कि मेरे को पिस्टल चल गई, और उसके बाद उनको जैसे ही पता लगा तो इनके सीएसपी साहब और सब लोग इनको यहाँ हॉस्पिटल में लेके आए हैं। जो भी देखी तो गाड़ी जो इनकी सरकारी गाड़ी है उसकी जो सीट है उसके ऊपर का एक एग्जिट बुंड बना हुआ है, एग्जिट गाड़ी का निशान है गोली चलने का। तो ऐसा लग रहा है कि इसी भी वजह से के थोड़ी से गोली लगी है और ऊपर निकल के माथे से। सर ब्लीडिंग कौन है, क्या नाम है इसका? केंद्र सिंह करके है, होमगार्ड का ड्राइवर है सीएसपी महाराजपुरा की गाड़ी का। सर अभी कैसी स्थिति है वर्तमान में और क्या रीजन? और चूँकि गोली लगी है और निकल गई है, एग्जिट तो हो गया है, तो अभी उनका ऊटी में अपना ऑपरेशन वगैरह चल रहा है। वो यहाँ पे चल के आए हैं और मतलब अभी बात करने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि गोली यहाँ से थोड़ी सी लगी है बाहर निकली है। तो सारी चीज़ों को परीक्षण कर रहे हैं और अभी गाड़ी में निशान है बुलेट के निकलने का। आपके फैमिली पर्सन से भी बातचीत हुई है क्या? उनसे भी बातचीत हुई है? हाँ, फैमिली वाले यहाँ पर हैं, उनको भी ये कहना है कि उसको कोई ऐसी समस्या ऐसी नहीं समझ में आई और उनको कोई परेशानी ही थी। काफ़ी दिनों से बड़ा घर की तरह से ही काम कर रहा था, सीएसपी साहब के पास से पिछले 2.5-3 साल से काम कर रहा। क्या गोली मतलब एक सिंगल राउंड ही फायर किया गया? अभी तक तो सिंगल राउंड ही आया है, अभी तक सिंगल राउंड। बाकी हम परीक्षण करवा लें, हमने फेशियल एक्सपर्ट को बुलाया, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बुलाया है, और अभी जब अगर हालत ठीक होगी तो उनके बयान भी कराएं। थैंक यू सर। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।